नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनावी मौसम है, 5 राज्यों में चुनाव होने और उसके बाद 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं 5 राज्यों के, उससे पहले ईडी का एक्शन जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है और तमाम राज्यों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी पीछे नहीं है, विपक्ष भी ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कहीं ना कहीं उसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कुछ विपक्ष की प्लानिंग है इस ईडी के वार पर, आज हम इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए ईडी की कार्रवाइयों को और विपक्ष जो रिएक्ट कर रहा है इन दिनों? अभी राजस्थान में हमने देखा कि रिश्वत लेते हुए ईडी के 2 अफसर पकड़े गए, उसके बाद तो और भी ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं कि ईडी जो कर रही है वो किसके इशारे पर कर रही है और क्या ईडी अपने आप में उतनी सही कार्रवाई कर रही है जितना माना जाता है आदर्श जो एक स्थिति होती है उसमें करना चाहिए। देखिए, एक कहावत है कि दर्द कहत से बढ़ जाना और दर्द का ही दवा हो जाना। तो ईडी दर्द की वजह है विपक्षी दलों के लिए, बिल्कुल, लेकिन अब उसी को दवा बनाया है, उसी को दवा बनाया है विपक्ष ने और उसको एक चुनावी मुद्दा के रूप में तब्दील करने की कोशिशें पिछले एक सप्ताह के भीतर से आपको लगातार दिखाई पड़ेंगी। ईडी के खिलाफ बोलते हुए आपने विपक्ष के दलों को बहुत सुना होगा, ईडी के बारे में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे को और धारदार बनाने के लिए ईडी के केसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक वो सियासी तौर पर इस्तेमाल में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे ये विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक नई बात विपक्षी दलों में दिखाई पड़ रही है मानशु, और वो ये है कि ईडी को ही चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया जाए। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका बयान सुनिए, उनका बयान ये है कि मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि आप ईडी की गाड़ियां भी चेक करिए, उसमें हो सकता है धन आ रहा हो और आखिरी वक्त है, इनके पास कुछ और बचा नहीं है। उनका रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, पैसे बांटे जा सकते हैं, बक्से में पैसे लाए जा सकते हैं क्योंकि ईडी की गाड़ियां अमूमन चेक होती नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कह करके अचानक से क्वेश्चन मार्क ईडी पर खड़ा कर दिया कि पॉलिटिकली ईडी सक्रिय है और वो दरअसल अमुक पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है, इस केस में बीजेपी। बहुत सिंपल एक आर्गुमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा है, तो जाहिर है कि उस पर संज्ञान तो लेना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है क्या या ऐसा नहीं हो रहा? हमने अभी से पहले कभी इस तरह की लाइन ईडी के बारे में कभी सुनी नहीं थी, बिल्कुल। और देखिए कि एक जांच एजेंसी है, प्रीमियर जांच एजेंसी है इस देश की, वो उसके बारे में आपने देखा कैसे अशोक गहलोत की सरकार में कलेक्शन लिया गया और एक अधिकारी और एक क्लार्क जो कि ईडी के लिए काम करते हैं उनको घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, एंटी करप्शन ब्यूरो जो राजस्थान का है उसके द्वारा पकड़ लिया गया, ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अब ये वो राज्य है छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां के खुद मुख्यमंत्री और उनके परिवार वालों पर ईडी के मामले चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी, यहां तक कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के लड़के को तो अभी पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ईडी की शिकंजे से दूर नहीं है। डोटासरा के कई जो
ठिकाने उन पर छापेमारी हुई, उनके बेटे को भी तलब किया जा रहा है। आने वाले 7 या 8 नवंबर को दोनों बेटियों को बुलाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा। अब इन लोगों ने क्या किया है कि ईडी के बारे में बोलना शुरू कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रही है। यकीनन वो एक्सटेंशन के तौर पर काम नहीं कर रही है, मामले हैं तो वो चल रहे हैं। लेकिन मैंने सुना अशोक गहलोत को ये कहते हुए कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी और उसके बाद प्लान ई, यानी कि प्लान ईडी। तो उन्होंने अब भाषणों में ये कहना शुरू कर दिया है कि ईडी को भी चुनाव चिन्ह दे दीजिए, वो हमारे खिलाफ लड़ती है। और ये सब तो चल ही रहा था, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल दिया है। तो ये सारे प्रकरण जो हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब ईडी को पॉलिटिकली फाइट करने का एक मंतव्य बनाया है। लोगों के पास जाकर के कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमें इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, और जो लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हैं, मित्र हैं, उनके खिलाफ ईडी काम नहीं कर रही है। और उसमें उदाहरण बार बार राहुल गांधी देते हैं केसीआर का, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जिनकी बिटिया जो कि पूर्व सांसद भी हैं, इसी शराब घोटाले में जो कि दिल्ली में इतना ज्यादा लोगों की काल के की वजह बना है, तीसरे बड़े नेता के ऊपर जो है तलवार है, हाँ, उसमें उसमें वो भी मुलव्वस है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं है। तो ये जो चुनाव है और उसके बाद जो चुनाव आएंगे, ईडी जो कि जांच एजेंसी है, उसे इससे लड़ना पड़ेगा कि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो है राजनीतिक रूप से अब खड़ा किया जाएगा। अच्छा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ईडी है, हम लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल स्वायत्त संस्था है, उसको कार्रवाई करने का भी हक है और वो किसी भी वक्त कर सकती है, लेकिन टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। हम देखते हैं कि बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर ईडी सक्रिय हो जाती है, तब राजस्थान के कोई नेता का नाम सामने नहीं आता है कि वहां पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, या फिर किसी और राज्य में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि जिस राज्य में इलेक्शन है उस राज्य में सक्रिय तौर पर ईडी काम करने लगती है। तो कहीं ना कहीं सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, जो संस्था है वो, मैं कहता हूं 12 महीने किसी भी साल, इलेक्शन नहीं है जहां है या कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी जाकर केरल में अगर कहीं पर छापेमारी कर रही है, किसी नेता को पकड़ रही है, तो फिर हम तो कहेंगे कि ठीक है वो संस्था है, अपना काम कर रही है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर ही ये जो कार्रवाइयां तेज हो जाती हैं या फिर ये मामले निकलकर सामने आने लगते हैं, ये कहीं ना कहीं उस संस्था की जो एक इमेज है उस पर डेंट है। और इसे बढ़ाने में ईडी जो है वो कसर नहीं छोड़ती है, इस डेंट को बढ़ाने में। मेरा तात्पर्य ये है कि ये शक लोगों को हो रहा है और उस शक को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई मामला है जो कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है, वो मामला राजस्थान में चल रहा है और उस मामले में जेन्युइननेस भी हो सकता है, लेकिन उसको चुनाव के साथ टाइम क्यों किया जाए? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर हमको समय काल सबका ध्यान रखना है। हम जानते हैं इस बात को कि अगर हम चुनाव के दौर में पकड़ेंगे, पूछताछ के लिए बुलाएंगे, छापे मारेंगे, तो लोग बाग यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं, विपक्ष को मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या हम जांच एजेंसी के तौर पर, अगर हम हमें राजनीतिक खींचतान में नहीं फंसना है, राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हमें नहीं बनना है, तो क्या हम ये एक महीना पहले कर सकते थे? क्या हम अपनी कार्रवाई को स्पीड अप कर सकते थे, या फिर स्ट्रेटजिक पॉज लेकर के एक महीने बाद कर सकते हैं क्या, ताकि सियासी तौर पर हमारे रेड्स का, पूछताछ के लिए हमारे बुलावे का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो पाए। यहां पर प्रश्न ईडी के ऊपर खड़ा हो जाता है कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है क्या, और अगर वो नहीं रह रहे हैं तो क्या कोई खास वजह है? नहीं, एक वजह देखी जाएगी कि जितना राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में सक्रिय है ईडी, क्या इलेक्शन के बाद भी उतना रहेगी,
देखना यह बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर रहेगी तो ठीक है, और अगर नहीं होगा, मामला डाइल्यूट होगा और फिर अगले इलेक्शन में ये चीजें निकल कर सामने आएंगी तो सवाल तो खड़े होंगे जायज तौर पर। देखिए, स्वायत्त संस्था है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की निगरानी में काम करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और पहले जिस तरह से सीबीआई के बारे में बातें कही जाती थी, और मुझे याद है कि बहुत से दृष्टांत हैं जो कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की सरकारों में भी देखने को मिले हैं। और आप ये देखिए कि जब लालू जी सत्ता से हटे थे तो सीबीआई एक्शन में थी, ईडी उस वक्त सीबीआई के एक्शन की वजह से वो गए थे, तो सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल तो होता है, ये करीब करीब साबित हो गया और बहुत बार हो गया, और कई बार कोर्ट ने कह दिया कि ये केज्ड पैरट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजड़े वाला तोता है ये, वो भी स्वायत्त है। तो इसीलिए अब कोई भी वैसी संस्था जो कि जांच एजेंसी है उसे सीबीआई के उस अनुभव से सीख लेनी चाहिए, भाई हमें अपनी टाइमिंग्स को भी दुरुस्त करना है कि कैसे हमें। अब देखिए, आपके एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, भाई जायज है, क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी की वजह से पकड़ा गया है, शराब घोटाला जिसे कहते हैं, तो उसमें नित नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। और प्रश्न यहां पर यह भी है कि भाई हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो केस है वो ठंडा क्यों हो गया है, अभी हाल उनके भी बिल्कुल अंदर जाने बाहर जाने सरकार गिरने की बात सामने आ गई। बिल्कुल, अभिषेक उनको पूछताछ, उनके बुलावे, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, सांसद हैं डायमंड हार्बर से, वो थोड़ा ठंडा सा पड़ गया है। मामला क्या है, आप उन नेताओं की बात छोड़ दीजिए जो बीजेपी से अब ताल्लुक रखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी है और वो लंबी फहरिस्त हो जाएगी तो फिर ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। बहस को विपक्ष के ही आसपास अगर रखें और ईडी की कार्रवाई के रूप में, तो चुनावी राज्यों में आपने सही कहा कि क्यों ऐसा है कि अशोक गहलोत के बेटे, गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे, इन सबों की कॉल जो है, अरविंद केजरीवाल जो कि चुनाव खुद लड़ रहे हैं इन सभी राज्यों में, उन्हें भी बुलावा मिल गया। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ही क्यूरियस केस है, ईडी ने अभी तक शराब घोटाले मामले में 5 FIR किए हैं, 5 FIR, ECIR बोलते हैं ईडी में उसको, इसी पांचों ECIR में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, उनको मेंशन जरूर किया गया है, उनको मेंशन किया गया है कि ये जो पॉलिसी है ये केजरीवाल्स ब्रेन चाइल्ड, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, कुड हैव बीन केजरीवाल्स ब्रेन चाइल्ड। आपने देखा कि कैसे जो नई पॉलिसी के तहत प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया था दिल्ली में अल्कोहल बेचने का, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो किससे मिलते थे, तो फाइनल अथॉरिटी उसमें केजरीवाल हैं, उसमें शायद उसमें नाम भी दिया गया है कि भाई संजय सिंह के मामले में कि उन्होंने फैसिलिटेट किया मुलाकात, संजय सिंह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उस तरह से आपने मेंशन तो किया है, लेकिन आपने उनको एक्यूज्ड के तौर पर कहीं भी मेंशन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट और पीएमएलए का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो कहता है कि किसी को भी बुला सकती है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये वेल विद इन द राइट ऑफ द ईडी है, वो अपने अधिकार क्षेत्र में है जब वो अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, पर दूसरी तरफ ये भी है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपने एफआईआर में जब नाम ही नहीं लिया है तो मेरी भी सुनिए, हमारी बातों का जवाब दीजिए, हमने आपको एक चिट्ठी लिखी है उसका जवाब आप दीजिए। कानूनी रूप से उनको ये करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं तो उनका जवाब दीजिए। और मुझे ये लग रहा है कि जो राजनीतिक रूप से इस पूरे मसले को डील करने की कोशिश
अब शुरू हुई है विपक्ष के द्वारा, उसी श्रृंखला की एक कड़ी है अरविंद केजरीवाल की वो जो चिट्ठी लिखी गई है ईडी को, जिसमें वो एक चुनौती फेंकते हुए ईडी पर दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन पहले एक मामले में ये कहा था कि ईडी को बताना होगा कि आप किस मामले पे कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपने किस मामले पे बुलाया है। अरविंद केजरीवाल इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो समन भेजा गया है उसमें आप नहीं बता रहे हैं कि हमको किस लिहाज से बुलाया जा रहा है, किस चीज की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, आपने सिर्फ बुला लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो पहले ही ईडी को इस मामले में फटकार पड़ चुकी है, अब अगर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं तो फिर से क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्योंकि गुड़गांव के बिजनेसमैन ब्रदर्स का मामला था और वो उन्हें पूछताछ के लिए जून के महीने में बुलाया गया था और फिर उन्हें वहीं पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें ये बताया नहीं गया, क्योंकि ईडी में पढ़ करके सुनाया जाता है, कॉपी नहीं दी जाती है, पढ़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि साहब आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं जिसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब प्रश्न यहां ये उठ जाता है कि अगर मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं तो मैं आपके चार्जेस को समझ ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। और फिर मैं कैसे अपने आप को डिफेंड करूं, वकील को क्या बोलूं मैं? तो वो एक समस्या थी और कोर्ट ने उस तरफ निगरानी किया और कहा कि अरे आपको तो चार्जेस बतानी पड़ेंगी ना एक्यूज्ड को, आप चार्ज नहीं बताएंगे। यही तो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, जो कतर में हमारे 8 पूर्व नाविक जो फंसे हुए हैं, हम यही प्रश्न उठा रहे हैं ना कि आपने चार्जेस कब बताई, किसी भी एक्यूज्ड को उसके खिलाफ क्या आरोप है वो आरोप तो बताएंगे ना। आप बस इंटरनल मैटर है और हमारी सिक्योरिटी का मैटर है, इसलिए कह करके आप नहीं कर सकते हैं और उस पर आप सजा ऐसी सजा दे दिया कि फांसी की सजा। उसी प्रकार यहाँ पर आपने बुला लिया एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि ऐसा ऐसा मामला है, ये स्टैंड पॉइंट है केजरीवाल का। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि ईडी फिलहाल जो कानून का स्ट्रक्चर है उसमें उसे अधिकार है, वो बुला सकती है। पर तो फिर ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्यों ऐसा किया? वो सीबीआई के द्वारा इसी मामले में जब पूछताछ हुई थी तब तो गए थे और वो अप्रैल के महीने की बात है, तो अब क्या हो गया, आखिर अब क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, राजनीति में क्या अब लग रहा है कि कोई भी उस साफ छवि का नहीं है, हर किसी की पूछ दबी हुई है कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई इन सब मामलों पे। लगता नहीं है कि मौका मिलता ही क्यों है, कुछ ना कुछ काला तो दाल में है ना, तभी तो मौका मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल उस चीज से बरी है, उन आरोपों से बिल्कुल अछूता है और उसको जो है जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, जिस तरह का आरोप लगाया जाता है। पर इस मामले में तो हम या आप या कोई भी जज नहीं हो सकता है। कोई चीज जो आपको 9 दिख रही है वो मुझे 6 दिखेगी, और जब तक साबित ना हो जाए तब तक आप कह तो वो कौन कह सकता है कि वो 6 है या 9 है, अदालत कहेगी। तो इसीलिए ये मामले जब आप खींच देते हैं बहुत साल, अब देखिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर सत्येंद्र जैन, हालांकि उनका दूसरा मामला है, उसके बाद मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये गिरफ्तार हैं और अभी जेल में हैं, तो फिर जो फाइनल अथॉरिटी है इस मैटर में वहां तक मामला जाएगा। बिल्कुल। और उस क्रम में केजरीवाल को अगर बुलाया गया है तो उनका ये एप्रिहेंशन सही है कि हो सकता है कि हमें गिरफ्तार किया जाए। आतिशी कह रही थी कि हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो उन्हें भी सियासी, अगर ये सियासी है कि भाई बहुत टाइमिंग के साथ किया जाता है, चुनावों के इन पहले किया जा रहा है, तो वो भी अपनी राजनीति खेल रहे। अगर गिरफ्तार होना ही है तो आपके वहां जाकर के क्यों गिरफ्तार हो, आपके दफ्तर जाकर के ही क्यों गिरफ्तार हो? एक आकलन है, उस पार्टी के लोगों से थोड़ा बहुत जो बातचीत होती है उसके जरिए पता लग रहा है, भाई गिरफ्तार अगर होना है तो आप मुख्यमंत्री निवास से कर लीजिए। और उस स्थिति में वो जो एक सियासी पॉइंट बनाने की कोशिश है, नहीं प्रेशर बनाने वो भी बनती है, क्योंकि अब सियासी तौर पर लड़ना पड़ेगा। विपक्ष को ये लगने लगा है कि हमें ईडी से सियासी तौर पर लड़ना पड़ेगा। नहीं, प्रेशर बनाने की कोशिश तो होती है, ये तो मैंने मतलब पिछले कुछ जो मामले हुए हैं इलेक्शंस में जो देखे गए हैं,
कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर केसेस है, इलेक्शन है, तो आपको एक दबाने की, एक आपका माइंड डाइवर्ट करने की, क्योंकि आप जब इलेक्शन लड़ने के मूड से जाते हैं तो फिर अगर आपके ऊपर ऐसे केसेस हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है, तो ये कोशिश तो हो रही है। पर देखिए उसमें ये भी है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो यकीनन सही हैं और फिर कोई भी सिंह कटा के बछड़ा नहीं बन सकता है ना। आपने अगर वो किया है गड़बड़ी, और ये नहीं कह सकते कि जी हम विपक्ष हैं और हमारे पास बचने की भी कोशिश होती सरकार, हाँ सरकार हमारे खिलाफ जो है, और मैं राजनीतिज्ञों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं, एक्शन हुआ है जिसमें वो जेल जाकर आए हैं, और अब वो भी कहने लगे हैं कि हमारे खिलाफ तो कार्रवाई देखी चलती, क्योंकि और भी कई मामले उनके खिलाफ हैं जो जिसमें उनको जाना पड़ सकता है, पर वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन जो लोग जिनके ऊपर अभी तक साबित नहीं हुए हैं मामले चल रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो जो विपक्ष का एक हिस्सा है, उसने ऐसा लगता है कि ईडी को कहीं ना कहीं घेरे में लेने की कोशिश की है, और आंशिक रूप से सफल भी हो गए हैं कि अब ईडी उनके, कोई कह रहा है कि वो पैसे लेकर के आते हैं और उनकी गाड़ियां चेक होनी चाहिए, कोई कहता है ये ईडी वाले तो खुद ही भ्रष्ट है और दूसरों को भ्रष्ट कह रहे हैं, सही बात। ये कह रहे हैं कि ईडी वाले हमें गिरफ्तार करना चाह रहे हैं और बता रहे ही नहीं है कि भाई चार्जेस क्या है, किस बात को लेकर हमें बुला रहे हो। अब इन्होंने तुरंत ईडी के खिलाफ, पहले क्या होता था कि बस नोटिस आती थी, लोग चले जाते थे, बड़ा एक भय था, अब उस भय को इन्होंने पीछे चोला उतार दिया। प्रश्न चिन्ह जो है, मैं तो इस लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि एक संस्था है वो जांच करती है, जो गलत लोग हैं जिन पर धब्बा है करप्शन का या फिर तमाम चीजों का, उनको जेल पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर उस संस्था पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हम सबके लिए है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इस पूरे जो सिनेरियो बन रहा है इलेक्शन से पहले, और क्योंकि अभी 24 का भी इलेक्शन होना है, तो ये कम तो नहीं होगा, हो सकता है और राज्यों में भी कार्रवाइयां देखने को मिले, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।